हेलो फ्रेंड्स, zingalala.com के इस वेब सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे एक नई वेबसाइट जिसमें हम हमारे वेबसाइट के बैकलिंक क्रिएट करेंगे। तो कैसे वेबसाइट में बैकलिंक क्रिएट करते हैं हम देखेंगे। तो आज की हमारी वेबसाइट है about.me। इस वेबसाइट में हमें हमारा खुद का वेब पेज क्रिएट करना है। ये देखिए, ये फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर एंड साइड हसलर के लिए है about.com.me। तो इस वेबसाइट पे हमारा खुद का पेज कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ लॉगिन के ऑप्शन है, गेट योर फ्री पेज और साइन अप विद फेसबुक और गूगल। मैंने यहाँ पे साइन अप विद गूगल किया है। यहाँ पे देखिए, मेरे अकाउंट को यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया। मेरी इंफॉर्मेशन इसने पिक की है। इस पे मैं आगे जाऊंगा, मेरा नाम, इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर, ये है। आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है। मेरा लोकेशन क्या है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। और आगे के स्टेप पे, यहाँ पे मुझे टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, मैं एक वेब डेवलपर हूँ, फोटोग्राफी में अच्छी लगती है, ट्रैवलिंग, आपको जो जो अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कीजिए। और इसमें क्या है, मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है खेलने के लिए। ये पांच कैटेगरी सिलेक्ट, पांच मतलब ये स्पोर्ट्स से हो, कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी हो, ये पांच कैटेगरी सिलेक्ट हो जाती है और फील्ड हो जो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे व्हाट वी डू, एक्चुअली हम क्या करते हैं, वेबसाइट डेवलपर, राइटर एंड यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल, या आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पे नेक्स्ट किया मैंने। और यहाँ पे किस वर्क के लिए आप ये पेज चाहते हो, व्यू माय पोर्टफोलियो, रीड माय ब्लॉग, लिसन टू माय पॉडकास्ट, विजिट माय वेबसाइट, अटेंड माय इवेंट, हायर मी। तो मैंने विजिट माय वेबसाइट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने मेरी वेबसाइट का नाम एंटर कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा आना चाहिए ये दिखा रहा है। तो मैंने फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। इसे कलर कौन सा चाहिए वो आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद ये मैंने कलर सिलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये अवेलेबल है, ये हम खरीद सकते हैं कौन सा जो डोमेन अवेलेबल है, लेकिन मैं कंटिन्यू विथ फ्री पेज करूँगा। सॉरी। यहाँ पे देखिए, मेरे वेबसाइट की लिंक ऐसी आ जाएगी, अबाउट मी, about.me/जमदाड़े। तो नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए, मेरा नाम आ गया, यहाँ पे फोटो, और विजिट माय वेबसाइट करने के बाद मेरी वेबसाइट को ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप भी आपकी वेबसाइट को ऐसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं about.me से, और आपकी वेबसाइट को अच्छे से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई वेबसाइट के साथ। थैंक यू।